हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपीसी क्लासेस वीडियो क्लासेस। स्टूडेंट्स, अज जी इन वीडियो क्लास में असी इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कस कंदासी ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जहाँ कुछ अजम्पशंस आए, सिक्स पॉइंट्स तहजी बुक में मेंशन थियल, कुछ उन्होंने अजम्पशंस चो या पासवर्ड्स चो जिन के बुनियाद से प्रेशर की इक्वेशन ड्राइव कई वही है। प्रेशर की इक्वेशन के यूज कर ही उनमें असी जो टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ी आयासी, तो भाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी ड्राइव आउट कबी है। उन प्रेशर इक्वेशन की बुनियाद से ही जी अस लास्ट लेक्चर में गैस लॉस पढ़िया से उसे गैस लॉस भी ड्राइव आउट कबा है। अच्छा, इन लास्ट लेक्चर में लास्ट एमसीक्यू सॉल्व किया से जिनमें आंसर कढ़ियों हो 5 केल्विन, वो 10 by 10 by 2 हुए, मैं 10 by 5 लिखी छो, वो करेक्शन स्लाइड में भी मेंशन कर छी है, सो कीप इन माइंड। अच्छा, KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जैसा कुछ अजम्पशंस हैं, यू कैन सी फ्रॉम योर बुक ऑन पेज नंबर 12, वो अजम्पशंस भी समटाइम एमसीक्यूज में यूज थे, एमसीक्यूज में दिना होंगे। हाँ, मैं कोशिश क्या तो सभी जी अजम्पशंस समझाने की कोशिश क्या तो। फर्स्ट अजम्पशन अस बुधा तो जी भी गैस होंगी, चाहे वह एटॉमिक फॉर्म में हो, चाहे वह मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ गैस, तो गैस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स सब जो सब आइडेंटिकल होता है। फर्स्ट पॉस्टुलेट असो बुधा कें भी गैस या एटम्स होंदा या मॉलिक्यूल्स होंदा, ऑल एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर व्हाट आर आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब उनकी साइज, उनको वॉल्यूम, उनकी डेंसिटी सभी की सेम होती है। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अ गैस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, डिपेंडिंग ऑन द गैस ईच मॉलिक्यूल विल कंसिस्ट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन स्टेबल स्टेट are considered as identical. So this is first postulate, all the atoms or group of atoms of a particular gas are identical, same in size, shape and can see their mass. Second postulate is, any finite volume of a gas consists of very large number of these molecules. jekna sa ko finite volume of gas kanu tha, un finite volume of gas mein जी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उ वेरी लार्ज होंगे, केतरा होंगे एक्सपेरिमेंटल बेसिस से असा बुधा वो। दिस अजम्पशन इज जस्टिफाइड बाय एक्सपेरिमेंट एट स्टैंडर्ड कंडीशन STP कंडीशन पे, दीज आर 3×10^25 मॉलिक्यूल्स इन अ क्यूबिक बॉक्स। जी असो क्यूबिक बॉक्स खड़ो, अ मीटर क्यूबिक बॉक्स जस्ट लाइक दिस वन, इन अ क्यूबिक बॉक्स में तकरीबन केतरा एटम्स मापन था, 3×10^25 एटम्स या मॉलिक्यूल्स विल बी इन दैट क्यूबिक बॉक्स। दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। ओके, थर्ड जो अजम्पशन है वो असें बुझाए तो, द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, एक एटम बी एटम का कुछ डिस्टेंस कुछ फासले से होंगे है, उन डिस्टेंस की कंपेरिजन कई वही है एटम के पैं डायमेंशन से, एटम जो डायमेंशन मतलब एटम की पाँच साइज है। The molecules are separated by a distance large as compared to their own dimensions. The diameter of a molecule considered is a sphere. जेकर ऐसा एटम या मॉलिक्यूल के स्फीयर कंसीडर क्यों, तो उन्हें जो को डायमीटर आ, दैट इज अबाउट हाउ मच द डायमीटर ऑफ एटम इज अबाउट हाउ मच 3×10^-10 मीटर या 3 angstrom भी इनके लिखी सकते हो, बिकॉज 1 angstrom इज इक्वल टू 1×10^-10 मीटर। ठीक है, तो असाने चाहिए तो भाई जैसे ये जो साइज ऑफ एटम तो वह तमाम स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू व्हाट, कंपेरेटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, यानी कि जैसे ये एटम है, लेट्स सपोज रूम कर लिखूँ तो ये भी एटम है, हाँ इन एटम के विच में डिस्टेंस है, इन डिस्टेंस के कंपेरेटिवली ये जो एटम है इनका डायमीटर वेरी वेरी स्मॉल, सो दिस इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस
दिस इज द डायमेंशन ऑफ एन एटम. तो चतुर्थ भाई इन डायमेंशन ऑफ एटम ये कंपेरेटिवली जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो समझो लार्ज होंगे. फोर्थ पार्टिकुलेट आए समझो द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस में विद वेरियस स्पीड मेकिंग इलास्टिक कोलिजन विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. फ्री स्टेट में एटम्स इलास्टिक कोलिजन कंदा आहिनि, पाण में बि टकराइबा आहिनि, वॉल्स सां बि टकराइबा आहिनि. द वॉल्स ऑफ द कंटेनर कैन बी कंसीडर्ड एज परफेक्टली स्मूथ. ठीक आहे, इहो अज़म्पशन आहे. एटम्स जेके आहिनि उहे पंहिंजो पाण में बि कोलाइड कंदा आहिनि, इलास्टिक कोलिजन कंदा आहिनि एंड विद द वॉल्स सां बि इलास्टिक कोलिजन कंदा पवंदा आहिनि. सो फोर्थ पार्टिकुलेट आहे कोलिजन इज परफेक्टली वॉट काइंड इलास्टिक कोलिजन हूंदो आहे, इन इलास्टिक कोलिजन हूंदो आहे, बोथ हूंदो आहे, ऑप्शन अची सघनि था. कोलिजन इज वॉट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. दिस इज द फोर्थ पार्टिकुलेट ऑफ के एम टी. उन खां पोइ पंजो जेको पार्टिकुलेट आहे जेको मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन. जेसि ताईं हिन कंटेनर में को मॉलिक्यूल फ्रीली पंहिंजो पाण मूव करे थो पियो तेसि ताईं कंहिं बि क़िस्म जो कोई बि फोर्स एक्सर्ट न कंदो आहे. जॾहिं उहो कंहिं बि एटम सां टकराइबो आहे तॾहिं ई उहो फोर्स एक्सर्ट कंदो हूंदो आहे. मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन. देयरफॉर इन बिटवीन कोलिजन विथ अदर मॉलिक्यूल्स आर विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस दे मूव फ्रीली इन स्ट्रेट लाइन. ठीक आहे, पंजो पासे सां छा थो ॿुधाए जेके एटम्स ऐं मॉलिक्यूल्स हूंदा आहिनि उहे कीअं मूव कंदा हूंदा आहिनि स्ट्रेट लाइन में. दे मूव इन स्ट्रेट लाइन. तो दिस इज फिफ्थ पार्टिकुलेट. ऐं जेको छहों पार्टिकुलेट आहे उहो असांखे ॿुधाए थो त भई असां इन मॉलिक्यूलर मोशन ते जेका न्यूटन जी मैकेनिक्स आहे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स आहे, उनखे अप्लाई करे सघूं था. न्यूटोनियन मतिलबु असां न्यूटन जो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, प्रेशर मोमेंटम जा फॉर्मूलास अप्लाई करे सघूं था. सो न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ दीस मॉलिक्यूल्स. छहों पासीलेट आहे न्यूटोनियन मैकेनिक्स एप्लीकेबल आहे. न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल. इहे असांजा कुझु छह पास्टुलेट्स आहिनि के एम टी जा. हाणे इन्हनि पास्टुलेट्स खे यूज करे हिकिड़ी सिंपल प्रेशर जी क्वेशन ड्राइव कई वेंदी आहे. हाणे हुन प्रेशर जी क्वेशन खे असीं ड्राइव त कोन था अचूं छो त फ़िलहालु हिन शइ जी ज़रूरत कान्हे का एंट्री जे लेवल ते, पर असां त ज़रूरु हुन जी क्वेशन खे थोरो स्टडी ज़रूरु कंदासीं. सो लेट्स उहा प्रेशर जी क्वेशन असांखे छा थी ॿुधाए. हाणे जेका प्रेशर जी क्वेशन आहे जेके असां न्यूटन जी मैकेनिक्स अप्लाई कयो आहे, पहिरियों हिकिड़ो सिंपल मॉलिक्यूल या एटम खणबो आहे, उनजी मोशन ॾिसबी आहे, उनजो प्रेशर ऐं फोर्स ऐं मोमेंटम कढबो आहे, पोइ वरी उहो सभिनी ते आल मॉलिक्यूल्स ते अप्लाई करे पूरे सिस्टम जो प्रेशर कढबो आहे. ओके, हाणे उहा इक्वेशन जेका ड्राइव थींदी आहे जेका तव्हां पंहिंजे सिलेबस में ड्राइव कराया हूंदो, दैट इज़ वॉट प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वेयर. हिते वी छा हूंदी आहे, आर एम एस हूंदी आहे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ठीकु आहे, सो वी आर एम एस खे ईअं बि लिखो आहे, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर ओवर थ्री अंडर रूट स्क्वायर. ऐं हिन जो हिकिड़ो शॉर्टकट फॉर्मूलो जीअं तव्हांखे टिनि मॉलिक्यूल्स जी अलॻि अलॻि स्पीड मिले थी ऐं चयो थो वञे भई हिन सिस्टम जी रूट मीन स्क्वायर स्पीड कढी ॾेखारियो त तव्हां हिन फॉर्मूले सां सिंपली यूज़ करे सघो था. नाले मतिलबु न रूट रूट मीन टिनी खे मीन कढीसीं, स्क्वेयर टिनी खे स्क्वेयर कयोसीं. सो दिस इज रूट मीन स्क्वेयर स्पीड. ऐं हीअ असांजी उहा प्रेशर जी क्वेशन आहे जेका के एम टी जे पास्टुलेट जे बुनियाद ते निकिरंदी हूंदी आहे. ऐं इन क्वेशन खे फर्दर यूज करे असां ॿिया थोरा सारा फॉर्मूला जेके आहिनि से ड्राइव आउट कंदा हूंदा आहियूं. सो हिते पी प्रेशर आहे, रो डेंसिटी आहे, ऐं वी छा आहे, रूट मीन स्क्वेयर स्पीड, यानी कि सिस्टम जे अंदरि जेके बि असांजा आइटम्स मॉलिक्यूल्स आहिनि उन्हनि जी एवरेज स्पीड तव्हांजो बेसिकली खाइणो. हाणे इन इक्वेशन खे ॾिसूं असां जेकॾहिं हिन मां तव्हां वी आर एम एस खे हीअं बि सॉल्व करे सघो था, वी आर एम एस इज इक्वल टू 3 times प्रेशर ओवर डेंसिटी रूट जे अंदरि. आर एम एस हिन सां बि कैलकुलेट करे सघूं था, वी आर एम एस असां हिन इक्वेशन सां बि कैलकुलेट करे सघूं था. ओके, हाणे इन इक्वेशन मां ई असां हिकु ॿी इक्वेशन ड्राइव कंदासीं
दैट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इन इक्वेशन के लिए असम इन स्टेप्स के रिवर्स कहें पढ़ी आया प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी होंगी मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स क्यूबिक बॉक्स में एन मॉलिक्यूल्स है उन सभी मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन टू वी आर एम एस। सो डू नॉट कैंसिल वी दिस वी विद दिस वी, दिस इज वॉल्यूम दिस इज स्पीड। ओके नाउ शिफ्ट करेंगे इक्वेशन शामिल पी वी इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ओवर वी आर एम एस। ओके हाँ ही शे फैमिलियर पी वी का पढ़ी आया सारे बराबर पी वी इज इक्वल टू व्हाट एन आर टी पी वी से पढ़ी आया लास्ट लेक्चर में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बराबर जिक्र है मैं लिखा एन आर टी दिस इज इक्वल टू व्हाट 1/3 मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स इन टू वी आर एम एस स्क्वायर। ओके हाँ इतने जो एन एन होंगी एन इज वॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वो कहो नंबर फार्मूला यो असो फार्मूला होंगे एन इज मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होंगी इतने अब फॉर्मेट यूज कह नंबर ऑफ मोल्स के बदले लिखासी नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर एवोगैड्रो नंबर इन टू आर टी इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी आर एम एस स्क्वायर। ओके हाँ इतने जो आर यो भी कॉन्स्टेंट एन ए भी कॉन्स्टेंट इन बिन्हीं कॉन्स्टेंट के रेशियो के आर एन ए के रेशियो के बई कॉन्स्टेंट बे कॉन्स्टेंट जाहिर कबो है जैसे तरह से के वॉट इज के बोल्ट्स मेन कॉन्स्टेंट बोल्ट्स मेन कॉन्स्टेंट। ठीक है तो द रेशियो ऑफ आर अपॉन एन इज अनदर कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज व्हाट बोल्ट्स मेन कॉन्स्टेंट। बोल्ट्स मेन कॉन्स्टेंट के यूनिट्स एंड वैल्यूज ना भी याद रखना पवना होता है कने कने एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट आर द यूनिट्स और आर जो भी तुम्हें खबर है 8.314 एट तरीके से एन जो भी वैल्यू 6.02 × 10²³ है बिन्हीं के नंबर्स के डिवाइड करना है जो नंबर मिल दो दैट विल बी द बोल्ट्स मेन कॉन्स्टेंट। यूनिट्स भी रखी सको था तो यूनिट्स भी तक इजीली मिली सकता बहर असने क्वेश्चन के पहुंचो है फिलहाल। सो हेलो एन कैंसिल की वही हेलो असि एन कैंसिल की वही आर अपॉन एन ए के चीज रो के टी। ठीक है आर अपॉन एन ए इज अ बोल्ट्स मेन कॉन्स्टेंट इंटू टी इतना छा पड़ो असो 1/3 एम वी स्क्वेयर। हाँ सिंपली जैसे ये लिखी सकूँगा लेट सपोज के टी इज इक्वल टू 1/3 के 2/2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी क्यों राइट साइड के मिलो एम वी स्क्वेयर। ठीक है दैट मीन्स दैट के टी इज इक्वल टू हाँ जो 3/2 लिखी सॉरी 2/3 ये 2/3 बाकी छा कचो तो इन टू 1/2 एम वी स्क्वेयर टर्म है 1/2 एम वी स्क्वेयर इज व्हाट दिस इज द काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स दैट काइनेटिक के टी इज इक्वल टू 2/3 इन टू काइनेटिक एनर्जी 2/3 इन पास हले तो छा थी 3/2 थी 3/2 के टी इज इक्वल टू व्हाट काइनेटिक एनर्जी। हाँ इक्वेशन के जी रिलेशन में हाँ के भी कॉन्स्टेंट था। ठीक है ना 3/2 भी कॉन्स्टेंट था दैट मीन्स हम लिख सकता द काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट टेम्परेचर साइन ऑफ प्रोपोर्शन हेट है कॉन्स्टेंट लगाना से असम ये इक्वेशन इजीली मिली वी। तो ये इक्वेशन भी अहम इक्वेशन है 3/2 के टी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी तक चलो भाई काइनेटिक एनर्जी मालूम कर दिखा रहे टेम्परेचर सिर्फ गिवन आता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी से कर सकूंगा बाय यूजिंग 3/2 के टी। हाँ इतने के या वैल्यूज के या यूनिट्स यू मस्ट बी रिमेंबर कैप्ट इन माइंड इतने जानते हैं के जो वैल्यूज मिले हैं या के इज अ कॉन्स्टेंट बोल्ट्स मेन कॉन्स्टेंट के जो वैल्यू यू कैन सी फ्रॉम द बुक एंड दैट इज 1.38 × 10²⁻¹⁰
23 and the units are joule per molecule per kelvin. Joule per molecule per kelvin. These are the units for Boltzmann constant. Okay, हाँ एक इन्हें के यूज़ करें ऐसे ही कुछ एमसी कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करना सी स्पेशली इन्हें एक क्वेश्चन थे कि पर्टिकुलर टेम्परेचर थे ऐसे क्या डिग्री में देखिए मालूम भी हूँ या ऐसा कि जिक्र है एक अगावा देगा एटम से मालिक उसमें ले लेना तो उसी रूट में इसका स्पीड के तरीके से मालूम कर सकूँगा ओके सी यू नेक्स्ट क्लास